वेलकम टू टुडेज फंटास्टिक ट्यूटोरियल। आज हम ये इमेज लेंगे और आज हम इस इमेज को एडिट करेंगे और इसको हम बनाएंगे समथिंग लाइक दिस। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमेज है अभी वेरी डार्क है और बोरिंग है, इसमें प्रॉपर एक्सपोजर भी नहीं है एंड इट इज मिसिंग द लाइफ। सो विल मेक इट समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसकी बेसिक एडिटिंग करेंगे, प्रॉपर एक्सपोजर, कंट्रास्ट, वाइट बैलेंस ये सब करेक्ट करेंगे, फिर इसको हम फोटोशॉप में लेंगे, फिर इसमें स्किन्स वगैरह को हम इसमें टच करेंगे एंड फाइनली विल मेक इट विल डू द कलर ग्रेडिंग टू दिस इमेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको प्रेस करें और इससे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर वीक दो वीडियोज़ डालता हूँ, वेंसडे को और संडे को, और दोनों वीडियोज़ बहुत ही लैंग्वेज में डालता हूँ, वन इज़ इन इंग्लिश एंड दूसरा हिंदी में। सो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस ना करें, और क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फोटोशॉप पे, फोटोग्राफी और बहुत सारे हाउ टू वीडियोस, ऑलराइट, और हाउ टू स्टेप्स। सो चलिए लेट्स ओपन दिस इमेज इन दी अडोबी कैमरा रो। सो मैं अभी ये इमेज मेरी ब्रिज में है और इसको जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी फोटोशॉप में, ओके। और इसमें एडोबी कैमरा रो में, अगर ये जेपैग इमेज होती तो ये फोटोशॉप में होती, क्योंकि ये, लेकिन ये रो फाइल है, रो इमेज है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये एडोबी कैमरा रो में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाती है। अब पहले समझ लेते हैं कि रो इमेज और जेपैग इमेज क्या होती है। रो इमेज एक तरह से नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जो है, जैसे कि पहले फिल्म के टाइम में जो नेगेटिव होता था वो बहुत लार्ज फाइल होती है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं और डेटा बहुत सारा होता है। लेकिन जेपैग क्या होता है, जेपैग एक कंप्रेस्ड फाइल होती है जिसमें कि बहुत ही स्मॉल डिटेल होती है। तो लेकिन अगर आप जेपैग में फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो क्या करता है कि बहुत सारे डेटा जो होता है एलिमिनेट कर देता है, और पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम जब फोटोशॉप में हम एडिट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कैमरा रॉ में करा है तो ये एक आपका डिजिटल नेगेटिव होता है और इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, और जब हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें सारी डिटेल हम इसमें रिकवर कर सकते हैं, लाइक शेडोज़ में, हाईलाइट्स में। और शेडोज़ तो समाव हम मैनेज कर सकते हैं जेपैग इमेज में भी, लेकिन जहाँ पर बात आती है हाईलाइट्स की, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जेपैग इमेज में रिकवर करनी। ऑलराइट, सो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इसका वाइट बैलेंस ठीक करेंगे। अभी देख सकते हैं कि आप ये वार्म है थोड़ी इमेज, सो इस स्लाइडर को हम टेम्परेचर को ब्लू की साइड ले जाएंगे, और आई थिंक यहाँ पर ये परफेक्ट लग रही है। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे ऑटो, और जैसे ही ऑटो करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही काम करता है, लेकिन अभी ये देखिए इसने ओवर एक्सपोज कर दी इमेज, तो कोई बात नहीं। अब हम इसको स्लाइडर को वापस ले जाएंगे धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ पर हमें लगता है कि ये परफेक्ट एक्सपोजर है, आई थिंक यहाँ पर ये ठीक है। ऑलराइट, और ये कंट्रास्ट है, इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, तो आप देखिए कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है, डिटेल भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज में थोड़ा सी डार्क रहे। ऑलराइट, तो इसको हम नेगेटिव साइड में ले जाते हैं, और हाइलाइट्स को भी हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अगर देखिए, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रख लें। ऑलराइट, और फिर शेडोज़, वी कैन ओपन अप दिस शेडोज़। देखिए अब अगर हमारी डिफ़ॉल्ट ये थी और ये रो में की, तो हमने देखिए शेडोज़ में हमें यहाँ पर सारी डिटेल मिल रही है। ऑलराइट, तो इसको आप थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, ओके। और ये वाइट है, इसका वाइट एडजस्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट इसमें डाल दें,
और ब्लैक कलर, लेट्स एड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, -22। ऑलराइट, फिर है क्लैरिटी का ऑप्शन, थोड़ी सी क्लैरिटी इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 25-26%, और इससे क्या होगा कि इमेज बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। ऑलराइट, और वाइब्रेंस, क्योंकि ये पीपल्स इमेज है तो यहाँ पर अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो देखिए स्किन टोन ख़राब हो जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए थोड़ा सा ही 1 और +3 और +5 तक आप इसमें कर सकते हैं। ओके, हम इसको चाहें तो इसमें हम बाद में कर सकते हैं फोटोशॉप में, लेकिन अभी नहीं। ओके, तो अभी हम इसमें इतना ही रखेंगे। फिर आ जाते हैं डिटेल्स पैनल पे, यहाँ पे शार्पनिंग है, इसमें हम शार्पनिंग करने से पहले 100% जूम कर लें और देखते हैं इमेज। देखिए हमारी इमेज कितनी नॉइजी है और इसमें बहुत सारा ग्रेन है। क्यों? कारण ये है कि ये मैंने 400 ISO में खींची है क्योंकि यहाँ पर लाइट कम थी और मैंने इतना ज़्यादा ध्यान इसके एक्सपोजर वगैरह पर नहीं दिया। ओके, और इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा ग्रेन है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी मिले आपको, बेस्ट क्वालिटी, तो उसके लिए ISO 100 रखें। ओके, और अगर आपका कैमरा अलाउ करता है 100 से भी नीचे, जो कि 50 तक होता है बहुत सारे हाई एंड कैमरा में, जो FX कैमराज होते हैं उनमें अलाउ करता है कि हम 50 तक जा सकते हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसको देखिए, अब शार्पनिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, लेट 77% तक कर देते हैं। अब ये देखिए आप कितनी ज़्यादा शार्प हो गई, लेकिन इसने क्या किया, ये नॉइज़ और ग्रेन को भी शार्पन कर दिया जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम इसकी मास्किंग को इंक्रीज़ कर देंगे, इससे क्या होगा अगर हम ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करके इसकी मास्किंग को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सिलेक्शन, तो जहाँ पर भी वाइट कलर है वहीं पर शार्पनिंग अप्लाई होगी, लेकिन जहाँ पर ब्लैक कलर है वहाँ पर ये शार्पनिंग नहीं अप्लाई होगी। ओके, ऑलराइट, इसको छोड़ दें। अब ये यहाँ से आप इसका रेडियस कम कर दें, क्योंकि अगर ये पीपल्स इमेज है तो हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा हेलो इफ़ेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम इसका रेडियस 0.6 के आसपास रखेंगे, और डिटेल्स आप चाहें तो और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और ल्यूमिनेंस, ये क्या होता है, ये नॉइज़ रिडक्शन होता है, अगर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए ये सारे ग्रेन्स एकदम से गायब कर देगा। ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं करने, उससे क्या होगा कि ये एक इमेज फेक लगेगी, प्लास्टिक लगेगी, तो स्किन हमें नेचुरल रखनी है। ओके, तो आई थिंक 26 यहाँ पर ठीक है। ल्यूमिनेंस की डिटेल 50 रहने दें, ल्यूमिनेंस कंट्रास्ट, अगर कंट्रास्ट में आप कोई नॉइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई कलर नॉइज़ है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, और ये इसको एज इट इज़ छोड़ दें। अब इसको फिट एंड व्यू करें और यहाँ पर आ जाएं लेंस करेक्शन में, प्रोफाइल करेक्शन में सिलेक्ट अनेबल प्रोफाइल करेक्शन, और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया मेरा कैमरा और मेरा लेंस। ओके, और ये देखिए आप एजिस के आसपास इसने ये जो लेंस डिस्टॉर्शन होता है उसको करेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ 100%। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये कलर वाला, रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन। आप ये देख रहे हैं कि ये पर्पल, ये ग्रीन कलर की फ्रिंज जो है इसको क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। ओके, ये लेंस में आ जाती है समटाइम्स। ओके, तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, देखिए आप ऑटोमेटिकली इसने रिमूव कर दी, और अगर नहीं होती है तो आप इसको, जैसे पर्पल है तो पर्पल का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रीन का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो वो इसमें हो जाएगी। सो फिट एंड व्यू, ऑलराइट, अब ये ठीक है। अब हम इसको ओपन इमेज करते हैं क्योंकि हमारी बेसिक एडिटिंग सब हो गई है, तो इसको ओपन करेंगे। अब ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्किन पे काम करते हैं। स्किन पे देखिए आप ये जो स्पॉट्स हैं इनको हील करते हैं, तो एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि आप शॉर्टकट कीबोर्ड JB यूज़ कर सकते हैं और इन सब पर फटाफट आप कर सकते हैं क्लिक, और ये सारी ये सब रिमूव कर देगा। ओके, जहाँ पर भी स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए बस, और ये आपका काम कर देगा। ओके, ये बहुत फास्ट वर्क करता है, लेकिन कुछ लोग स्पॉट हीलिंग वाला ये दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ये है हीलिंग ब्रश टूल, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सैंपल लेना पड़ता है। ओके, तब आप इसको
क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा फास्ट लगता है और ये अच्छा रिजल्ट देता है मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद जहाँ पर ऐसी जगह की ज़रूरत है वहाँ पर मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। ओके और ओके यहाँ पे करिए थोड़ा सा ये आइस पे ए डॉट, ओके यहाँ पर हेयर्स में, यहाँ पर ओके फेस पर ये देखिए ये अगली से निशान है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और कहीं पे भी ऐसे आपको कुछ दिखाई देता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग टूल की हेल्प से। और ये भी ओके यहाँ पर राइट। अब देखिए थोड़ा सा हमें ये फेशियल हेयर को रिमूव करना है, तो उसके हम एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे। और अब हम लेते हैं हीलिंग ब्रश टूल। अब इसमें क्या होगा कि आपको ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करना है, तो ये आपको सैंपल अलाउ करेगा कि कहाँ से आपको सैंपल लेना है। तो यहाँ से सैंपल लेते हैं और फिर ये ब्रश करेंगे तो ये वहाँ पर इसको पेंट कर देगा। ओके सो दिस इज़ हाउ दिस टूल वर्क्स। और यहाँ से लेते हैं सैंपल और यहाँ से लेट्स पेंट इट ओवर हियर और यहाँ पर ओके और आई थिंक हो गया है ठीक। और यहाँ पर लिटिल बिट ये लाइंस को हम हटा देते हैं। ओके सिमिलरली यहाँ पर भी और थोड़ा सा ये जो डार्क स्पॉट है उसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम इन करें इस एरिया को, ये जो डार्क दिखाई दे रहा है इसको भी हम कर सकते हैं। और ये करने के बाद आई थिंक अब ये इसके फेस पे कर देते हैं। ये थोड़ा सा अगली सा पता नहीं कैसा कलर आ गया है, इसको भी हम रिमूव करें। यहाँ सैंपल लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके और यहाँ से पेंट करेंगे तो ये क्लीन कर देगा। ओके आई थिंक अब ये बेटर लग रहा है। थोड़ा सा इधर से कर देते हैं, आई थिंक ये शेडो है। और यहाँ से आप चाहें तो ओके और कहीं पर है कुछ ये यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हमने ठीक कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा शेडो है, ये भी कर दी। ओके ऑलराइट अब ये आ जाइए इसमें, ये भी हम यहाँ से सैंपल लेंगे और यहाँ पर पेंट कर देंगे। ओके यहाँ पर ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है और एक्यूरेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके तो ये हम कर सकते हैं। और ये देखिए कई बार हमें दो तीन बार पेंट करना पड़ता है तब जाके क्लियर रिजल्ट मिलता है। ये हेयर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ओके ये एक्स्ट्रा हेयर है, चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पर स्टेम टूल काम आता है सही से, लेकिन अभी हम इससे ही कर रहे हैं। सही नहीं हुआ है, मेरे को नहीं लगता है सही हुआ है, तो इसको अंडू करते हैं। ओके तो अब स्टैम्प टूल ले लेते हैं ये और एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट करते हैं। और अब यहाँ से सैंपल लेंगे, ओपेसिटी इसकी 50% रखें, 50% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें अगली रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट सो अब ये देखिए इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। ओके और इसको हम आसानी से कर सकते हैं रिमूव दिस हेयर को। ओके और थोड़ा सा और लग रहा है तो इसको दोबारा कर दीजिए। ओके और ये रिमूव हो गया हमारा। ऑलराइट
सो हमारी बेसिक प्रॉब्लम सारी दूर हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर दो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है लाइट। ओके, ये होने के बाद अब हम इसके स्टैम्प टूल स्टैम्प कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई और कमांड ऑप्शन शिफ्ट ई। अब क्या करेंगे, अब इसमें कर्व्स एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे और लेट्स एड लिटिल बिट कंट्रास्ट, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे और हाइलाइट्स थोड़ी सी ऐड करेंगे। ओके, ऊपर की साइड। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, अब हम सिलेक्टिव कलर टूल लेंगे यहाँ से और ये सिलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट में सबसे पहले लेते हैं रेड और इसमें सायान इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा। ओके, और मैजेंटा थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, और येलो आई थिंक लेट्स एड लिटिल बिट ऑफ येलो, ज़्यादा नहीं थोड़ा है बहुत, और इससे हम डार्क या लाइटन कर सकते हैं तो इसको लाइट कर देंगे थोड़ा सा ताकि स्किन थोड़ी सी क्लीन दिखाई दे। और फिर येलो लेंगे, येलो में देखते हैं थोड़ा सा येलो आई थिंक इंक्रीज करते हैं। ओके, प्लस 4, ऐसे ही मैजेंटा और येलो भी आप कर सकते हैं। ओके, डार्कर थोड़ा सा और लाइटर आप डिसाइड कर सकते हैं कैसा चाहते हैं। फिर लेते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल में अब इसको ऐड करेंगे तो आप देखिए प्लस की साइड इसने थोड़ी ग्रीन ह्यू इसमें ला दी है जो कि हमें चाहिए। ये है कलर ग्रेडिंग, सो कलर ग्रेडिंग में ऐसे ही हमें अच्छा लगता है और लुक अच्छी लगती है फ़ोटो की बजाय सिंपल के। सो एक्सपेरिमेंट विद मैजेंटा एज वेल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से और अपनी लाइकिंग के हिसाब से इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर येलो में आप चाहें तो ओके, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो इसको जीरो कर दो अगर नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हम इसको डार्क या लाइट कर सकते हैं, आई थिंक लाइट ही ठीक है, -3। और फिर हम लेंगे ब्लैक कलर एंड ब्लैक कलर में भी थोड़ा सा इंक्रीज करें तो आप +5 में ग्रीन हो जाता है और ज़्यादा। और लेट्स ऐड लिटिल बिट ऑफ मैजेंटा ताकि ये ब्लू हमें ह्यू इसमें दिखाई दे। फिर येलो से भी आप कर सकते हैं। ओके, और ब्लैक लेट्स कीप इट लिटिल बिट ऑफ डार्कर और मेक इट लाइटर। आई थिंक दिस वे इट लुक्स डिजल, आई थिंक दिस वे ये सही लग रहा है। और आप इसको टर्न इट ऑफ एंड ऑन करके देख सकते हैं, ये देखिए पहले इसमें रेड ह्यू थी और अब ये ग्रीन ह्यू होगी और ये कलर ग्रेडिंग हमारी हो गई है। और आप चाहें तो इसको एज इट इज रख सकते हैं या फिर आप इसमें एक विनियट इफेक्ट कर सकते हैं। विनियट के लिए एक हमें कर्व्स एडजस्टमेंट लेते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये मास्क टूल करें, मास्क सेलेक्ट करेंगे और ग्रेडियंट टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमें रेडियल ग्रेडियंट ये चूज़ करेंगे, ये वाला ऑप्शन। ओके, अगर आप इस पर ओवर करेंगे तो ये आपको शो भी कर देगा रेडियल ग्रेडियंट। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें ये मेक श्योर कि ये ब्लैक कलर हो। ओके, फिर मिडल में क्लिक करेंगे और आउटसाइड की तरफ ड्रैग कर देंगे, इससे क्या होगा कि मास्क क्रिएट कर देगा। मैं आपको दिखा दूं, ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा और वाइट पर ये विजिबल होगा, यानी कि सिर्फ एज इज पर, जिसको विनियट इफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब इसको फर्दर रिफाइन करना है तो ब्रश टूल ले लें। ओके, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके वहाँ पर पेंट कर दें मेन एरिया पे। ओके, ताकि वो हमारा वेल लिट रहे और बाकी हमारा थोड़ा सा डार्क रहे, इससे क्या होता है कि फोकस हमारा मेन इमेज पर रहता है और आपको लगता है कि ये इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया है तो आप इसकी ओपेसिटी लो कर सकते हैं, तो मे बी अराउंड 61 कर सकते हैं। ओके, आप चूज़ कर सकते हैं जौन सी भी इमेज आपको ठीक लगती है, विदाउट विनियट इफेक्ट और विद विनियट इफेक्ट, तो ये आपकी ऑन लाइकिंग पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, तो क्रॉप टूल लेंगे हम यहाँ से, आप सी भी दबा सकते हैं और ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ कर देंगे और इधर से थोड़ा सा इधर से काटेंगे। ओके, और अब ये अच्छा लग रहा है और एंटर कर दें तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। ओके, तो अब मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और हमारा ये हमारी स्टार्टिंग इमेज थी। पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, डेवलप सेटिंग और
क्लियर सेटिंग ओके। और अब ये देखिए, ये हमारी स्टार्टिंग इमेज थी और ये हमारी फाइनल इमेज है, स्टार्टिंग इमेज एंड फाइनल इमेज। सो आप देख सकते हैं इसी तरह हम रॉ इमेज में किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं और उसके अंदर किस तरह कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये सब बेसिक स्किल्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगी। और मेरा आपसे सुझाव है कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीख रहे हैं कि मेरे किसी भी वीडियो से या फिर किसी और चैनल से भी आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आप उसको अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसको अच्छे से सीख जाएंगे। क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें यह लगता है कि अरे हाँ ये तो हम भी कर सकते हैं, ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जब करते हैं ना, जब हमें पता चलता है कि अच्छा इस स्लाइडर से क्या होता है, इससे क्या होता है, तो जैसे आप करेंगे ना तो आपकी क्यूरियोसिटी जागेगी और आपके अंदर कुछ क्वेश्चन उठेंगे और वो क्वेश्चन आप उसको या तो लिंक में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को रीप्ले करके भी देख सकते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, मेरा एक फेसबुक ग्रुप है विच इज़ कॉल्ड लेंस ऑफ व्यू, जो कि मैंने क्रिएट किया स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए, तो आप उसमें अपनी इमेज को शेयर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन, आपके अंदर जो भी कोई सुझाव है तो वो भी आप उस पर डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को सपोर्ट करें तो आप मेरे कुछ प्रो ट्यूटोरियल्स हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं विद ह्यूज डिस्काउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा विच इज़ कॉल्ड लेंस ऑफ व्यू। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर, स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं इन फोटोशॉप, तो वो भी आप अपनी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड, एंड इफ़ यू लाइक टुडेज एपिसोड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।